नमस्कार, देश भर की बड़ी खबरों के लिए आपका स्वागत है। मैं हूं आकांक्षा तिवारी। चलिए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 10 दिसंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंस की बैठक प्लस में भाग लेते हैं। ADMM प्लस आसियान और इसके 8 संवाद भागीदारों के लिए एक मंच है जो शांति, स्थिरता और विकास। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उनकी सरकार जल्द ही स्टार्टअप के लिए एक नई नीति शुरू करेगी जो शुरुआती चरण में कई चुनौतियों का सामना करती है। दिल्ली सरकार एक नई स्टार्टअप नीति को चालू करने के एक बहुत ही उन्नत चरण में है। उन्होंने ये बातें बताई। शिरोमणि अकाली दल यानी कि SAD के कार्यकर्ता 9 दिसंबर को दिल्ली अमृतसर राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक पेट्रोल पंप पर मुफ्त डीजल प्रदान कर रहे हैं। किसान सेंट के खेत कानूनों के विरोध में शामिल होने के लिए दिल्ली जा रहे हैं। किसानों का आंदोलन 14वें दिन में प्रवेश कर चुका है। मुस्लिम व्यक्ति HMG बाशा ने बेंगलुरु में सांप्रदायिक सद्भाव की एक मिसाल कायम की है। उन्होंने मैलापुरा में हनुमान मंदिर के विस्तार के लिए भूमिदान की है। मंदिर का विस्तार शुरू हो गया है। 64 विदेशी दूत 9 दिसंबर को हैदराबाद में भारत बायोटेक में पहुंचे। उन्होंने भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेश डॉक्टर कृष्ण एला द्वारा जानकारी दी गई। COVID-19 वैक्सीन विकसित करने की सुविधा जितने भी सक्रिय रूप में थे उनमें भाग लिया उन्होंने। सिंधु सीमा पर 9 दिसंबर को आंदोलन पर बैठे किसान नेताओं को केंद्र से मसौदा प्रस्ताव मिला। कृषि कानून के विरोध में नेता मसौदे पर चर्चा के बाद भविष्य की कार्यवाही का फैसला करेंगे। उन्होंने 8 दिसंबर को गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात भी की थी। किसान संघर्ष समिति के नेता कवलप्रीत सिंह पन्नू ने कहा कि अगर सरकार 9 दिसंबर को एक मसौदा प्रस्ताव जारी करती है तो केंद्र सरकार का प्रस्ताव केवल संशोधन करता है। केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कैबिनेट ने देश के बड़े पैमाने पर वाईफाई नेटवर्क को लाने के लिए PM वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस लॉन्च करने का निर्णय लिया है। खैर, ये थी देश भर की अब तक की बड़ी खबरें। बाकी की खबरों के लिए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारे लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिले।